मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव पायरेक्सिया 2023 में भाग लिया। उन्होंने बताया कि पायरेक्सिया को 2018 और 2019 में बढ़ाने का काम किया गया। कोविड महामारी के समय बिगड़ी इसकी व्यवस्था को संस्थान के सदस्यों और यूजी के छात्रों के प्रयासों से फिर एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ किया गया है। वहीं उन्होंने एम्स के विषय में बात करते हुए कहा कि एम्स ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है और इसका उद्देश्य आम आदमी को बेहतर सुविधा देना है। उन्होंने छात्रों से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी देश को कई वर्षों तक इसी प्रकार से निरंतर सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के आप सबके बीच में आकर आज इस समारोह में मुझे भी आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। इस पायरेक्सिया समारोह में आप सबके बीच में पहुंचकर मुझे बताया गया कि 2018 से ये पायरेक्सिया को 2019 में 2018-19 लगातार इसको बढ़ाने का काम हुआ है। कोविड महामारी के कारण बिगड़ी इसकी व्यवस्था को संस्थान की जो हमारी डायरेक्टर हैं, संकाय सदस्यों ने और यूजी के छात्रों के प्रयासों से फिर से एक नई ऊर्जा के साथ इसको प्रारंभ किया गया है। आज भी कि बहुत सारे छात्र जो अन्य मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पहुँचने वाले हैं वो सभी अभी रास्तों में हैं और इस अतुलनीय मैं कहूँगा पायरेक्सिया समागम जो कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं, गुरु शिष्य जो परंपरा है उस परंपरा को कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है इसमें। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सारे डीन फैकल्टी सारे लोग आपके साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। जो भी अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं इस समारोह में, मैं उन सभी का उत्तराखंड देवभूमि, योग की भूमि, आयुष की भूमि और मैं कहूँ कि ऋषि मुनियों की भूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में आप सबके पधारने पर मैं आप सभी का उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का स्वागत करता हूँ। एम्स के द्वारा ये नाम ही ऐसा है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी देने का काम, एक कमिटमेंट देने का काम और लगातार अनुसंधान रिसर्च इसके माध्यम से अनेकों अनेक सेवाओं को देने का दूसरा नाम अगर किसी का है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एम्स ही एक ऐसा संस्थान है। और इसका जो उद्देश्य है वो आम आदमी के लिए बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना ही रहा है। इसके साथ साथ तीसरी वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक और खेल उत्सव इसमें को जो आपके द्वारा इसको सार्थक करने का संकल्प लिया गया है जो यथार्थ रूप से मुझे लगता है कि ये सफल होगा। खेलों में अद्वितीय उत्साह, सांस्कृतिक के धमाकेदार स्टार नाइट्स का आनंद, देवभूमि में आए हुए देश भर से जो छात्रों का एक अद्भुत समागम यहाँ निश्चित रूप से एक आप सभी के लिए भी और जो देवभूमि में आएंगे उन सभी के लिए एक मैं कहूँगा कि अच्छा अनुभव, एक शानदार अनुभव वो यहाँ से लेकर जाएंगे। आप अमृतकाल जिसके बारे में जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश का अमृतकाल जो प्रारंभ हो गया है उसमें हर एक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी अगर कोई है तो आप सब लोग हैं। आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ समाज बनाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। आपकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कार्रवाई, छोटी सी बातचीत किसी के जीवन को बदल सकती है। एक बार पुनः मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का जो अतिथि समागम को आप संपादित कर रहे हैं और एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर एवं उनके सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ जो सामाजिक परंपरा की इस कड़ी को आगे बढ़ाने में छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सब से यह अपेक्षा है कि आप सभी हमारे देश और मानवता को कई और वर्षों तक इसी प्रकार की सेवाएं निरंतरता से रूप देते रहेंगे, अधिक ऊर्जा के साथ, अधिक उत्साह के साथ, अधिक बुद्धिमत्ता के साथ और अधिक आत्मीयता के साथ लोगों के साथ जुड़कर उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने की
ताकत, आपकी बुद्धि, आपका कौशल लगातार बढ़ते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं गंगा से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको इस आयोजन के सफल होने के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।